नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। नर्मदापुरम में दरगाह में भगवा रंग पोत कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। मामला बाबाई कस्बे में सेमरी हरचंद रोड वाली दरगाह का है। इसकी दीवारों पर और गुंबद पर भगवा और लाल रंग पोत दिया गया। इससे नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने रविवार सुबह नर्मदापुरम पिपरिया एस्टेट हाईवे पर चकाजाम कर दिया। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर एफआईआर कर सख्त एक्शन लेने की बात कहकर लोगों को समझाइश दी, जिसके बाद करीब 15 मिनट के बाद ही हाईवे से जाम हट गया। नदी किनारे बनी मजार के साथ शनिवार रात में छेड़छाड़ की गई। सुबह खादिम मजार पहुंचा तो दूसरे लोगों को जानकारी दी। सुबह 8:15 पर समाज के लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी की। बाबई तहसीलदार दिलीप चौरसिया, नायब तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव, थाना प्रभारी हेमंत कुमार श्रीवास्तव, सुहागपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम और सुहागपुर टीआई विक्रम रजक मौके पर पहुंचे। बाबाई सुहागपुर पिपरिया नर्मदापुरम जिला पुलिस लाइन से भी कई फोर्स पहुंचा, जिसके बाद लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने मजार से छेड़छाड़ की। प्रशासन और पुलिस टीम सुबह मौके पर पहुंच गई थी। समाज के लोगों को समझाकर उन्हें शांत कराया गया। बाबाई तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम ने बताया कि स्थिति अब सामान्य है, असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही करेंगे। एसपी डॉक्टर गुरकन सिंह ने कहा कि तनाव पूर्ण माहौल बनने से बाबाई सुहागपुर थाने के अलावा पुलिस लाइन से बल भेजा गया। स्थिति नियंत्रण में है। एक माह में जिले में दूसरी बार मजार से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। साक्ष्य जुटा रहे हैं। बाबाई की घटना को पचमढ़ी वाली घटना से जोड़कर मामले की जांच कर रहे हैं।